फर्स्ट वी आर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। इन दिनों देश में हार्ट अटैक का मामला काफ़ी बढ़ गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पटना एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक परिजन जो कि अपने परिजनों को छोड़ने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे, उन्हें अचानक जो है वो नीचे गिर गए और एयरपोर्ट पर ही एक अस्पताल जैसा बना हुआ रहता है उस रूम में उन्हें ले जाया गया, जहाँ उन्हें CPR दिया गया और उन्हें अचानक हार्ट अटैक की समस्या आ गई। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस वक्त की, पटना एयरपोर्ट से एक परिजन को अपने परिजन को छोड़ने के लिए आए थे, उनकी फ़्लाइट थी, दिल्ली जाना था, लेकिन अपने परिजनों को जब छोड़ने आए थे पटना एयरपोर्ट पर अचानक वो गिर गए नीचे। बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर उनका काफ़ी हाई हो गया था, जिसके कारण वो नीचे गिर गए, जो कि अंदर ले जाके उन्हें CPR दिया गया, लेकिन स्थिति संभल नहीं रही थी, जिसके कारण से निजी अस्पताल के एम्बुलेंस आए, उन्हें लेकर अस्पताल ले जाया गया। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, देश में इन दिनों हार्ट अटैक की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसी बीच पटना एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और उसके बाद बताया जा रहा है राम प्रसाद नाम है उनका, जो कि स्थिति उनकी अनुकूल नहीं थी, जो कि पटना एयरपोर्ट पे ही डॉक्टर जो मौजूद रहते हैं उन्हें देखा गया, लेकिन स्थिति हाथ से निकलता जा रहा था। इस बीच एम्बुलेंस को कॉल किया गया और उनके परिजन काफ़ी रोने धोने का सिलसिला जारी रहा, जो कि उनके परिजन ही खुद नीचे में गिर गए और रोने लगे, काफ़ी चिल्लाने लगे, यानी हेल्प की उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पटना एयरपोर्ट के ही जो बने आदमी जो रहते हैं यहाँ पे और जो अस्पताल जो बना हुआ था उसमें उन्हें ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें CPR वगैरह दिया गया और उसके बाद से स्थिति अनुकूल नहीं था, जिसके कारण से एम्बुलेंस को लाया गया, उसके बाद से उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी हलचल जो है काफ़ी तेज़ हो गई, भगदड़ की स्थिति हो गई थी। और क्योंकि हार्ट अटैक का जो मामला है इन दिनों देश में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इस बीच पटना एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन इस बीच उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई और स्थिति इतना हाथ से निकल गया कि वो परिजन जो थे वो नीचे गिर गए। उसके बाद से उन्हें पटना एयरपोर्ट के ही रूम में, जो अस्पताल रूम होता है, उसमें ले जाया गया। उसके बाद से वहाँ पे उन्हें CPR दिया गया और ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी गई, लेकिन स्थिति ना संभल रही थी, जिसके कारण से निजी अस्पताल फ़ोन किया गया। पटना एयरपोर्ट पे ही एम्बुलेंस की मौजूदगी रहती है, एम्बुलेंस आया, जिसके बाद से उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा के ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद से उन्हें निजी अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है पटना एयरपोर्ट से, क्योंकि अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आए थे, साथ में उनके कई परिजन भी थे, लेकिन जो घटनाएँ जो घटी पटना एयरपोर्ट के ही एक रूम बना हुआ था अस्पताल का, उसमें उन्हें रखा गया था, जिसके बाद से CPR भी दिया गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रहा था, जिसके कारण से ही पटना एयरपोर्ट के स्टाफ जो है निजी अस्पताल के एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिसके बाद से एम्बुलेंस पहुंचता, जिसके बाद यहां उन्हें उस एम्बुलेंस में बैठा के, स्ट्रेचर पर बैठा के ऑक्सीजन लगा के उन्हें रेफर किया गया। क्योंकि इन दिनों देश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हार्ट अटैक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे रांची हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह हार्ट अटैक का मामला सामने आया है। अचानक जिम करते करते युवा जो है नीचे गिर जाते हैं या एक्सरसाइज करते करते कोई महिला नीचे गिर जाती है, लेकिन इस बीच एक पटना एयरपोर्ट से बड़ी खबर आई, जो कि वो अचानक से नीचे गिर गए। बताया ये भी गया कि ब्लड प्रेशर और शुगर काफ़ी हाई हो गया था, जिसके कारण से वो नीचे गिर गए और उन्हें पकड़कर अंदर ले जाया गया, जिसके बाद से उन्हें यहाँ से निजी अस्पताल रेफर किया गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वीआर झारखंड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें, अगर यही खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और बने रहिए फर्स्ट वीआर झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।